आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अनाथ बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए वेल्डर से लेकर शौचालयों तक की सफाई करने के काम किए और उनसे धन इकट्ठा किया। तो फ्रेंड्स, इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। ज़रूरी ये है कि हम उस काम को करने के लिए दिली इच्छा रखें, हमारी चाह होनी चाहिए कि हम उस काम को कर पाएं। ऐसे ही एक इंसान जिनका नाम लोकनाथन है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परिस्थितियों या सिचुएशन से एक सीख लेकर दूसरों की मदद को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। तमिलनाडु में कोयंबटूर जिले के कन्नाम पलायम गांव में रहने वाले लोकनाथन एक ऐसे ही इंसान हैं, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी की दशा को बड़ी ही गंभीरता से समझकर अनाथ बच्चों के लिए उनके प्रति अपने आप को पूर्णतः यानी पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी तरह कोई और ऐसी परिस्थितियों से गुजरे। ऐसा परोपकारी दिल हर किसी में नहीं होता कि हम जिन सिचुएशन से गुजरे हैं, हम वही सोच दूसरों के लिए भी रखें कि वो इंसान उन सिचुएशन से ना गुजरे। बचपन में बेहद गरीबी में पले बड़े लोकनाथन 12 साल की ही उम्र से कारखानों में काम करने लगे थे। कुछ और बड़ा होने पर ये वेल्डिंग का काम करने लगे। जब इनकी उम्र थोड़ी बड़ी हुई, अपने आसपास के अनाथ बच्चों की गरीबी को देख उनके प्रति सहानुभूति जागृत इनकी होने लगी। इन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सब सिचुएशन से तो मैं भी गुजरा हूँ, तो उस वक्त मुझ पर क्या बीतती थी जो इस वक्त इन बच्चों पर बीत रही होगी। वे चाहते थे कि ये बच्चे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, लेकिन एक मामूली सा वेल्डर का काम करते हुए ये बहुत थोड़े पैसे ही बचा पाते थे जिससे कि वे उनकी मदद कर सकें। इसके लिए इन्होंने समृद्ध परिवारों से मदद लेनी शुरू की, यानी जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग परिवार थे या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिलीज थी, उनसे उन फैमिलीज से इन्होंने मदद लेने स्टार्ट किया। पुराने कपड़े और किताबें भी जमा करने लगे। ये चाहते थे कि उन किताबों से उन बच्चों को वो ज्ञान दे पाएं और पुराने कपड़े जिससे कि वो बच्चे अपने तन को ढक पाएं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि वो उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं जितनी करनी चाहिए, तब इन्होंने अपने खाली समय में निजी कंपनियों के शौचालय की सफाई करना शुरू करा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप दिल से चाहते हैं ना कि किसी काम को करना, तो आप उस काम के मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेंगे। तो इन्होंने मतलब कंपनीज के शौचालय साफ करना स्टार्ट किया। मानव कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के कारण इन्होंने किसी भी काम को जरा भी करने में संकोच नहीं किया। हालांकि लोगों ने इनके इस काम की आलोचना भी की, यहाँ तक कि इनके कई मित्रों ने इनसे बातचीत भी बंद कर दी कि ये ऐसा काम कर रहा है, ये यहाँ पे सफाई करता है शौचालयों की, तो हम इससे बात नहीं करेंगे, और वे घिन भी करने लगे, उनसे दूर भागने लगे। यहाँ तक कि इनके कई मित्रों ने इनसे ऐसी तरह बातचीत बंद कर दी कि वे चाहते ही नहीं थे कि वे मतलब किसी और के बीच में बैठे। इस तरह उनकी आलोचना की, उनकी इस तरह से बेइज्जती की लोगों के बीच में कि ये इस तरह से शौचालयों को सफाई करता और ये सब करके। अपने परिवार की जिम्मेदारी और मानव कल्याण के बीच समन्वय बिठाने के लिए इन्होंने अपनी वेल्डिंग की दुकान ही खोल ली, ताकि वे अपनी सेवा को और भी सुचारू रूप से चला सके। पहले ये वेल्डिंग के एक छोटे मोटे कारीगर टाइप काम करते थे, पर अब इन्होंने दुकान ही खोल ली। आज इस काम को लोकनाथन बड़ी ही सुगमता से कर पा रहे हैं। इन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी इस काबिल बना दिया
कि वे भी बड़े होकर फक्र के साथ जी सकें और उन्हीं की तरह जरूरतमंद लोगों को भी मदद कर सकें। आज लोकनाथन की जीवन यात्रा इस बात की गवाही है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और एक साधारण व्यक्ति भी समाज में मनचाहा परिवर्तन ला सकता है। लोकनाथन की इच्छा है कि वह भविष्य में गरीब बच्चों के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए ताकि उन गरीब बच्चों को शिक्षा मिल पाए, तन ढकने के लिए वो एक कपड़ा मिल पाए जिससे कि वह अपने जीवन को व्यतीत करके अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे ला पाए वो बच्चे कि वे लोगों के सामने खड़े होकर अपने आप को साबित कर पाए। वे चाहते थे कि जो उन पर बीती वे उन बच्चों पर ना बीते, इसलिए उन्होंने कुछ फैसले ऐसे किए कि जो उन बच्चों के हित में थे और समाज उनसे इतना ज़्यादा घिन करने लगा, उनसे मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा इस तरह से मेंटली टॉर्चर करने लगा कि मतलब ये तो शौचालय का सफाई करता है तो ये इससे घिन करते लगे थे, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें लगा कि जब मुझे अपनी इस मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे ये काम तो करने ही पड़ेंगे। उन्हें लगा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो रियली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई भी काम करो, झाड़ू पोछा, बर्तन, नुकरानी, बाई या कुछ भी काम, आप कोई भी काम करते हैं तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता। काम काम होता है और आप अपनी काबिलियत के अनुसार उस कार्य को कर पाते हैं। ज़रूरी है कि आप अपनी काबिलियत को बढ़ाइए कि आप उससे अच्छा कार्य कर पाए। तो इस दुनिया में लोगों के सामने जीने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, यानी अच्छा बचपन व्यतीत करें। एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए कि हम पढ़ाई कर पाएँ और कुछ सीख पाएँ और लोगों के सामने खड़े होकर जवाब दे पाएं, उन्हें समझा पाएं कि सही और गलत में क्या अंतर है। इतनी समझ होना ज़रूरी है और ज़्यादा कर ये समझ हमें तभी आती है जब हम स्कूलिंग करते हैं या अपनी एक ऐसी लाइफ को जीते हैं जहाँ पर से हमें ज्ञान प्राप्त हो, एक ऐसी ज़िंदगी को जीना जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करें जो लोग हमसे भी नीचे हैं, जो हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं। इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं जितना मिला है उतने में हमें शुक्र करना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट इतना मिला है, और अपने आप को उसी से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।